इसको अभी अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और ये बाउल भी छोटा ही हो गया। हाय फ्रेंड्स, मेरा एक नया वीडियो में आप लोग को फिर से स्वागत है। ऐसे तो बाहर बहुत बारिश है, कहीं जाने भी नहीं सक रही हूँ कुछ दिखाने के लिए आप लोग को। तो हम लोग तो आग में बैठ रहे, ठंडा हो गया फिर से वापस। तो सोचा कि बैठे बैठे क्या करें, पकौड़ा बना के ही दिखा देती हूँ आप लोग को। बंधा गोभी का सब लोग बनाता ही होगा, सबका तरीका थोड़ा तो थोड़ा अलग होता ही होगा ना, इसलिए तो बारिश में खाने का भी मजा कुछ और है। तो इसलिए सोचा है कि आप लोग को शेयर करूं मेरा रेसिपी को, मेरा पकौड़े बनाने का स्टाइल को। बंधा गोभी का साथ ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ तो सब्जी भी नहीं है, नहीं बचा है। और जो जो मेरा चैनल में नया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बिना देर के चलिए हम लोग बनाते हैं। जो इसको कुछ इस तरह से काट लीजिए, अच्छा से धुला लेना है। ये तो पूरा ऑर्गेनिक है, हम लोग का खुद से लगाया वाला है बंधा गोभी, इसलिए इसको धुला लें। इसका ऊपर प्याज काटेंगे। चले हुआ क्या, प्याज दो ठो लीजिए, बड़ा होने से एक होने से भी होगा। कुछ इस तरह से काट लीजिए। अदरक का टुकड़ा, इसको भी बहुत बारीक से काट लीजिए। ये मिर्चा, ऐसे तो ज़्यादा झाल हम लोग नहीं खाते, आप लोग को जितना झाल चाहिए उतना दे लीजिए अपना हिसाब से। हम लोग इससे देगा इसको, हम लोग तीन ही लिया है, छोटा छोटा काट लीजिए। ये करी पत्ता भी नहीं मिला, इतना ही है इसलिए इसका स्मेल के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और मिर्चा पाउडर तो है ही नहीं, लास्ट बचा था, इसको मिक्स करेंगे अभी थोड़ा सा मिर्चा पाउडर। उसके बाद हम लोग पास क्या है, अभी सिंपल सा जो घर में होता है हल्दी, हल्दी भी लोकल है रे हम लोग का, ऑर्गेनिक। और इधर है नमक, नमक अपना हिसाब से दे लीजिए। इसको अभी अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और ये बाउल भी छोटा ही हो गया। ये है बेसन, दिखाओ, ये बेसन का पैकेट। अभी इसमें बेसन डालेंगे, डायरेक्ट ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। इसको हल्का सा पानी,
और उठा डालना पड़ेगा। ये तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसा करके देखिए, अगर गोल हो अलग से लग जाएगा तो चिपक जाएगा तो छोड़ देना। ये नहीं हुआ, उठा बेसन इसलिए देना पड़ेगा। इतनी बेसन और था एक कर देती हूँ। ये पूरा गर्म हो चुका है, इधर रिफाइंड डाल दिया पकोड़े बनाने के लिए। इसको तेल को थोड़ा गर्म होने देगा ना, तेल गर्म हो गया ना, बस इस तरह से भी पकौड़े बनाते हैं। एक चटनी भी बनाना पड़ेगा कितने टमाटो का ना, इसको सब खाने के लिए। आप ज्यादा मत दीजिए दे, ये जल जाएगा नहीं तो। हाँ मजे से हो रहे ना। अरे पलटी मारने वाला भी नहीं है ना हम लोग के पास। ये पक गया, चलो इसको उतार देते हैं। चलो इसको चटनी के लिए जलाएगा ना। मिर्चा भी जला देना ना बाद में। चटनी बनाना पड़ेगा ना, कट्टी या अदरक थोड़ा जला लेगा। ये वाला तो हो गया, ये को इधर लगा देगा ना। मिर्चा लोग को भी जलाती हूँ, और पकौड़े तो पक रहे हैं, गरम भी लग गए। चटनी बना लेगा ना पकौड़े के साथ खाने के लिए। अदरक और प्रीति ये एक दो तीन, उसको धीरे धीरे से चक्कर लगाऊंगा। नमक दे दीजिए अपने हिसाब से। ये हम लोग का पकोड़ा पकोड़े बना के कंप्लीट हो गया ना कृति। अभी हम लोग चाय पिएगा, चाय उल्टवा दुआ हो गया। चलो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। मजा है ना, ये है तो खाओ, बहुत टेस्टी है और मजा ही मजा है। पकौड़ा खा के बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी है। और बारिश का मजा लीजिए, पकौड़ा बना के खाइए। जो भी नया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हेल्दी रहिए, अच्छा से रहिए। बाय बाय।